हाय फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग्स में। जय श्री कृष्णा। आप देख सकते हैं हम सुबह उठ गए हैं और आज है मेरा स्पेशल दिन, क्योंकि आज है मेरा एनिवर्सरी। और यहाँ आप देख सकते हैं मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ सुबह सुबह, क्योंकि मैं सोची थी उनको विश करूँगी, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। मैं सुबह से उनका वेट कर रही थी, उन्होंने मुझे विश नहीं किया, लेकिन उनका सुबह बिना चाय का होता नहीं है। तो मैं उनके लिए चाय बना करके उनके पास जा रही थी, मुझे लगा कि नहीं फिर भी मुझे वो विश करेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं का नहीं विश किया उनका। मैं उनके लिए जब चाय लेके गई हूँ तो मुझे सड़ा हुआ अचानक अचंबा ऐसा फेस बना करके हमको देखने लग गए। तो कोई नहीं, हम उनको दे दिए चाय, उसके बाद उसका जो भी बकबक था मैं सुनी और फिर चली गई वहाँ से। जल्दी से मैंने नाश्ता बनाया, नाश्ता बना करके अपने बच्चों के साथ बैठ गई उसको नाश्ता देने के लिए। तो जय कुमार ने मुझे कहा कि वो खाएगी जैम रोटी, तो उसको जैम रोटी लगा के हम दे रहे हैं। और हर अंश के लिए भी अंश एक रोटी सब्जी के साथ और एक जैम के साथ खाया। मेरा घर पूरा गंदा था तो मैंने जल्दी से अपना घर का जो भी काम था मैंने ख़त्म किया रोज़ की तरह। पर हर साल मैं मंदिर जाती हूँ, इस साल तो उनका फेस देख करके मुझे लगा कि जा नहीं पाऊंगी। मैंने कुछ बोला ही नहीं, फिर भी मैं सोच रही थी नहीं होगा तो अकेले चली जाऊंगी। लेकिन फाइनली उन्होंने मुझे अचानक शाम को अचानक ही मुझे कहा कि चलो चलते हैं मंदिर। तो मैं बहुत सरप्राइज हो गई, मैंने बोला कि ठीक है चलो चलते हैं। तो मैं यहाँ पे रेडी हो गई मंदिर जाने के लिए। तो हम लोग यहाँ पे सब कोई रेडी होकर के घर से अब निकल रहे हैं। मेरा सारा काम जैसे कि आपको बताए हैं कंप्लीट हो गया है। तो उसी तरह तो हम लोग शाम को मंदिर जा रहे थे, आप देख सकते हैं थोड़ा सा अंधेरा भी हो गया हम लोग जब घर से निकले। लेकिन रास्ता में हम लोग ये अपनी गाड़ी पे ही, हम लोग कहीं भी दूर का ज़्यादा दूर का सफ़र होता तो नहीं जाते। नज़दीक तो हम लोग जा रहे थे खिदिरपुर पंचनाथ मंदिर, जो कि बहुत प्रसिद्ध है, बहुत अच्छा भी है। जब से वहाँ पे जाने लगी हो तो अच्छा है, ठीक है। तो हम लोग उसी के लिए निकल गए। रास्ते में चारों जन बैठ रहे थे, मैं सोची कि थोड़ा सा वीडियो कर लूँगी, लेकिन कर नहीं पा रही थी, इतना जर्किंग हो रहा था तो छोड़ दिया मैंने, कुछ नहीं किया। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मंदिर, आप देख सकते हैं ये पंचनाथ मंदिर हम लोग पहुँच गए। और यहाँ पे वो हम लोग को गाड़ी से उतार करके खुद चले गए फूल माला लाने के लिए, और हम लोग उनका वेट कर रहे थे। फूल माला लेकर के वो आ गए और ये आप देख सकते हैं हम घुस गए फाइनली मंदिर के अंदर। अब हम लोगों ने, इनके बाद हम लोगों का ही टाइम बाड़ी था पूजा करने का, तो हम लोगों का पूजा बहुत अच्छे से हो गया, पंडित जी ने करा दिया। और उसके बाद ये कर रहे हैं अपने हनुमान जी की पूजा। तो हम लोगों का सब कुछ ही अच्छा लग रहा था, यहाँ पे अच्छा लग रहा था। शिव जी का भी हम लोगों ने पूजा किया, और उसके बाद जो कि हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा चाट पापड़ी जो भी हम लोग खाए उसका, सॉरी हम ब्लॉग आपको वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि हम लोग सबको ही बिजी थे, बच्चे बहुत छोटे थे, जो कि वो और मैं ही होती हूँ घर में, तो वीडियो करने वाला कोई नहीं होता है। तो उसके बाद हम फाइनली आ गए घर। तो घर में एक भुट्टा ले आई थी उनके लिए, क्योंकि उनको भुट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो भी भुट्टा देख के खुश हो गए। मैं एक ही लेकर के आई थी क्योंकि मैं बहुत थोड़ी सी कंजूस सुनाई थी के लिए, तो आप लोग वाइंड मत कीजिएगा। तो भुट्टा लेकर के आने के बाद फिर अचानक ही मुझे सरप्राइज मिला, उन्होंने मेरे लिए लाया था केक रात के, तो 12 बजे काट रही थी क्योंकि मेरा 12 और 13 तारीख मेरा स्पेशल डे होता है, क्योंकि जिनमें एक दिन 13 तारीख को मेरा बर्थडे और 12 तारीख को मेरा एनिवर्सरी होता है। तो हम लोग केक काटे, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई, मुझे लगा ही नहीं था कि वो मुझे सरप्राइज देंगे, बट उन्होंने मुझे सरप्राइज दे दिया। तो मैं अपने बच्चे के साथ उसको बहुत अच्छे से इंजॉय कर रही थी, मैंने केक काट के उनको भी खिलाया। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो यहीं पे हो जाता है ख़त्म, मैं कर दूंगी एंड। लेकिन एंड करने से पहले, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ 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 कीजिएगा, और ऐसा कुछ मेरे वीडियो में आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों के सारे कमेंट का आंसर दूंगी। तो प्लीज़ आप लोगों को मेरा ब्लॉग, मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताना। तो चलिए बाय, गुड नाइट, आप लोग अच्छे से रहना।